नमस्कार दोस्तों, ये मेरी चार लाडली बेटियां, इन सबका स्कोर 656 से ऊपर नीट 2021 में। बहुत अच्छी बच्चियां, बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। कैसे एक छोटा सा सामान्य सा बच्चा डॉक्टर बन जाता है, सफलता मिल जाती है उसको। तो मैं चारों बेटियों को माइक दूंगा, ये अपना नाम और अपना स्कोर, अपने कहां के रहने वाले, अपनी बात बताए। बेटा आप यहाँ कहाँ रहे थे? मेरी पहली बेटी जोधपुर से सोनी को। मेरा नाम खुशबू सोनी है, मैं भोपालगढ़ जोधपुर से रहने वाली हूँ। इस साल मैंने प्रिपरेशन घर से की थी और ऑनलाइन CLC को ज्वाइन कर रखा था। तो CLC की मैंने प्रॉपर क्लासें ली ऑनलाइन सारी, उसके अच्छे से नोट्स बनाए, फिर टेस्ट से स्टार्ट हुई थी CLC की, सारे टेस्ट दिए। CLC के टेस्ट पर आप पूरा भरोसा रखें, उसे सही समय में निपटाने का प्रयास करें। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, इन पर भरोसा रखें। एक बात कहना चाहूँगी, आप CLC सिस्टम पर भरोसा रखें और इसके साथ ईमानदारी रखें, ताकि आप अपनी सफलता जल्दी से जल्दी हासिल करें। और अपने ऊपर पूरा भरोसा रखें और अपनी पढ़ाई के साथ कभी भी मतलब कॉम्प्रोमाइज ना करें, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करें, तो आपको पूरी सफलता प्राप्त होगी जितनी आप डिजर्व करते हैं। थैंक यू। आप कहाँ के रहने वाले बेटा? भोपाल का। नेक्स्ट बच्चा। देखिए जी, मेरा नाम भगवती है, मैं चौमू जयपुर से हूँ और मैंने भी ऑनलाइन CLC ज्वाइन की थी और उसमें अच्छी अच्छी पूरी क्लासेज ली और रेगुलर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। जो भी रेगुलर टेस्ट एक टेस्ट सीरीज खत्म होती थी, उससे पहले तो दूसरी आ जाती थी, इसलिए हमें भी इसमें फ्री होने का वक्त ही नहीं मिलता था, उससे डिप्रेशन आता ही नहीं था कोई। और लास्ट तक बिल्कुल रेगुलर बने रहे और फिर कॉन्फिडेंस और लास्ट तक उसी के कारण हम चलते सफल बना। क्या बात है। देखो ये होता है, सीधा बच्चा, प्यारा बच्चा, कोई मतलब दिन दुनिया से पढ़ाई की सिस्टम फॉलो किया, 656 नंबर था। बच्चों का खेल नहीं है, 656 नंबर। बहुत प्यारी प्यारी मेरी बातें करते मेरी बेटी आई। नेक्स्ट बच्चे हमारी। मेरा नाम करीना सिखावत है, मैं झुंझुनू की रहने वाली हूँ, मेरे 635 नंबर बने हैं इसमें। जय श्री। थैंक यू। मेरा नाम अंशु है, मैं झुंझुनू से हूँ और मेरा स्कोर 662 है। और यहाँ पे मेरे को सर टेस्ट सीरीज मैंने सबसे सही की थी, मतलब तो मेरे को उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। थैंक यू सर। और पेरेंट्स का स्कोर भी काफ़ी। थैंक यू। पेरेंट्स के मतलब कुछ होता है बेटा जी। तो ये हमारी चार बेटियाँ, तो चारों का रेंज 3000 से नीचे है। और ये आप कहाँ रहे बेटा? ना जी, हॉस्टल में रहे आप। अब मैं चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स जो बोलना चाहें प्लीज बात करें। धन्यवाद सरोज जी सर को। मैं देखो बाबूलाल जी डकरवाल के गांव का हूँ और उन्हीं की प्रेरणा से मैं इनसे जुड़ा हुआ है मेरा। और इसकी मौसी की लड़की है ना, वो अगरतला डॉक्टर बन गई है, उसकी प्रेरणा से ये यहाँ पे आ पाई है। और मेरी थोड़ी कॉलेज को प्रॉब्लम थोड़ी थी, इसलिए मैं हॉस्टल में नहीं रख पाया, फिर भी मेरी बच्ची ने अच्छा प्रोग्रेस किया। धन्यवाद सर। थैंक यू। नेक्स्ट गार्जियन। और कोई साथी बोलना चाहेंगे? मैडम आप बोलना चाहोगे? आप बोले। हाँ आप बोले। जय सहज जी, मैं करीना का दादा जी लगता हूँ। और माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं तो वो लड़के कहलाते हैं या लड़की कहलाते हैं। जो गुरु के शरण में जाते हैं तो कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई हेडमास्टर बन जाता है, कोई कुछ भी बन जाता है, उसको गुरु बनाता है। और मेरी याद की बात है, हमारे छोटे से गांव में, बाहर गांव में रहते थे, दो आदमी कागज बांटने वाले नहीं मिलते थे। आज छोटे से गांव के अंदर 8 डॉक्टर हैं, जिसमें से 4 डॉक्टर सेल्सीसी बन के गए हैं। पहले लड़का जन्मता था, लड़की जन्मती थी, चट्टी मनाते थे और बुढ़िया को बाहर बैठा देते, कहते कि बे माता आएगी और आंख लिखेगी। तो बूढ़े बुजुर्ग बोलते बे माता आई, बोले भाई आई तो होगी, केवल के लिखगी। ये या सेल्सी बे माता बन के दिमाग में लिख देती है, वो टोड़े लिखती है और सबको भाग्यशाली दिखाती है। ये है वो दूसरी बेमाता है। जय हिंद। आपको गांव से गांव का नाम बताओ। मेरा गांव खिद्दसर है, दोनों जिले में पड़ता है, बिसाऊ के नजदीक, मंडाव विधानसभा। हाँ, मंडाव विधानसभा। बहुत बहुत भाई साहब, थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत नमस्कार। इसके अलावा हमारे कोई गार्जियन आप आए बेटा, आप आ जाओ। हाँ आप बोलने के लिए आप आ जाओ। सही है, सीट थोड़ी सी, हमारा परिवार बड़ा हो गया इसलिए। सबसे पहले मैं सर को प्रणाम करता हूँ कि आपके आशीर्वाद से, जब खुशबू का 11th में CLC जोधपुर में एडमिशन करवाया था तो मैं भी साथ में गया था, मेरे मामा जी की बेटी बहन है,
और आपका मोटिवेशन और नवरत्न सर का मोटिवेशन और मनोज जी सर जोधपुर ब्रांच के, उन्होंने इतना शानदार मोटिवेशन दिया और आप सबकी बदौलत मेरे नाना जी की प्रेरणा से खुशबू का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें हम इतने खुश हैं कि मतलब हमारे घर में ननिहाल में बच्चियों को तो बाहर निकलने ही नहीं देते थे कि बस आपको सिर्फ घर में ही रहना है, ठीक है 11-12 तक कर लो, उससे ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन भगवान का आशीर्वाद मिला और नाना जी ने अनायास ही बोल दिया कि नहीं नहीं मेरिट में आई है, टेंथ में मेरिट में थी, सातवीं रैंक थी राजस्थान स्टेट, और मेरिट में आते ही उनका अनायास ही मन चेंज हो गया और उन्होंने सीधा यही बोला कि नहीं नहीं अभी तो आगे पढ़ने के लिए भेजना है। फिर फिकर गए, इतना शानदार जो आपका सर सपोर्ट है ना, मैं एलन में अभी मेरे थाला जी के बच्चे का एडमिशन करवा के आया हूँ कोटा, लेकिन ये आने के बाद मुझे पता चला है कि मुझे वहाँ नहीं यहाँ पे आना था। जितना सपोर्ट सर आप कर रहे हैं ना उतना वहाँ पे नहीं मिलेगा, वहाँ भीड़ ज़्यादा है और केयरिंग कम हो गई। अब पहले हो सकता है उनका कितना भी रहा होगा, रिजल्ट उनका अच्छा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जितना सपोर्ट मिलता है ना उसका सर मैं इतना ज़्यादा धन्यवाद दूंगा कि मेरे पास तब भी और समय भी कम पड़ जाएगा। सर आपका एक बार और धन्यवाद कि आपकी प्रेरणा की वजह से है ना सर हमारे वहाँ पे एक MBBS का हुआ है और उसकी छोटी बहन भी वापस तैयारी कर रही है, दोनों साथ में थे, फिर कुछ कारणों से उसके थोड़ी सिर दर्द की प्रॉब्लम थी, लेकिन इस बार उसको वापस मैं करूँगा। मैंने उसको बोला है उसको वापस तैयारी करनी है और उसका भी सर प्योर सिलेक्शन होगा आपके सानिध्य में और आपके आशीर्वाद से। मैं विशेष रूप से इसके पापा जी थोड़ी शादी में बिजी थे वो नहीं आ पाए, लेकिन उनकी तरफ से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से मैं आपको वापस एक बार और धन्यवाद देता हूँ और आपका आशीर्वाद और ये सपोर्ट हमेशा बना रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये हमारी चारों बेटियां, चारों डॉक्टर, एक शानदार बच्चे, शानदार रिजल्ट। थैंक यू। जय श्री।